असक्ति तद गुण अनुखन वसति तत् वसति इतर जो सुराज तो भाव अनुकूली जन ये नौ लक्षण के बहिर्लण नौ लक्षण हम लोग श्रवण किया है। इसमें एक एक करके हम बोलने के लिए प्रयास किया। उत्कंठा और नाम गान में रुचि है, जितने प्रकार के भजन है उन समस्त भजन की श्रेष्ठ कार्य नाम भजन। इस विश्वास के साथ निरंतर हरिनाम करने को ही नाम संकीर्तन में रुचि कहा जाता है। श्री नाम में रुचि का होना परम श्रेय प्राप्ति की कुंजी है। कृष्ण नाम साधन और साध्य दोनों ही है। हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोत्तम नाम है। उसी शिक्षा से गोसचिंदन गौर सुंदर ने दी है। वर्तमान काल में बहुत लोग अभक्त के रचित कल्पित रसाभास युक्त पद को नाम मंत्र समझते हैं। इसको अच्छी तरह से समझो। इसमें गुरुदेव जो लिख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कथा बोल रहे हैं। वर्तमान काल में बहुत लोग अभक्त से रचित कल्पित रसाभास युक्त पद को नाम मंत्र समझते हैं। है? जो भक्त नहीं है अपने कुछ कीर्तन भी लिख दिया है, उसमें उस कीर्तन करके कोई फायदा नहीं है। केवल भूसा की भांति है, भूसा समझते हो, भूस जो है कम्प्लीटली हस्क है। अभक्त अथवा कुर्मी लोगों के द्वारा रचित जो कीर्तन कहे और जो कुछ भी कहे, कीर्तन लिखते हैं ना, ये सब क्या है? सब भूसा है, हक्स है। देखो बीज के ऊपर क्या रहता है, कवर रहता है, उसके अंदर में पोटेंशियल रहता है। और कोई भूस के यदि बार बार उसके यदि कूटे तो साहब वो खाती ना, उससे कोई चावल की कौन बात आएगा? कुछ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं तो साहब वो खाती ना, अभक्त के द्वारा रचित बा जड़ लोगों के द्वारा रचित है, प्राकृतिक लोगों के द्वारा रचित जो कीर्तन नाम मंत्र जप करते हैं उसे कोई फल नहीं है। कभी कभी लोकरंजन मात्र हो जाता है, समझ है, एंटरटेनमेंट हो जाता है और कुछ नहीं उसमें। इसलिए गुरुदेव लिख रहा, देखो हम कहते कहते थक गया है, गुरुदेव के यहाँ पर पुष्टि लिख रहा। वर्तमान काल में बहुत लोग अभक्त के रचित व कल्पित और रसाभास युक्त पदों को नाम मंत्र समझते, किंतु ये शास्त्र युक्त मंत्र नहीं है तथा उनका कीर्तन करना उचित नहीं है। वैष्णव के द्वारा रचित जो कीर्तन है उसको करना चाहिए, और वैष्णव के द्वारा रचित कीर्तन पद उसके द्वारा आपकी कोई मंगल नहीं होगा कुछ है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु ने आदेश दिया, यह बिना ना बोलिए ना बोले आर। महाप्रभु कह रहे प्रभु कहे कोईलाम यही महामंत्र यह गया जप सभे करिया निर्वंग, यह इते सर्वसिद्धि हुई वे सवार, यह वही ना बोलिबे ना बोलाई भी या आमा प्रति स्नेह यदि थाके स्नेह का सभाकार है, यह बिना ना बोलिबे ना बोलाई भी। महाप्रभु कहने लगे यदि वास्तव रूप में मुझे मेरे प्रति विश्वास और स्नेह प्रति हो है तो क्या करूं है,
इधर उधर के बात सुनने से मेरे कोई लाभ नहीं हुआ है। कोई अपने कीर्तन लिख करके बस कीर्तन कर दिया है, उससे कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? उसमें उसके अंदर में शक्ति नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। इसलिए कह रहे हैं देखो कीर्तन आदि करना, किससे कीर्तन करो है? गोसाई वर्ग के जो कीर्तन लिखा, जैसे नौतम दास ठाकुर कीर्तन लिखा, प्रेम भक्ति चंद्र तिवनोद ठाकुर है, विद्यापति चंडीदास महाप्रभु के जो परिकर है, ये लोग ने साधन भजन किया। जो साधन भजन नहीं किया, केवल अपने पांडित्य अपने विद्या के द्वारा लिख दिया, उससे पुण्य से कुछ लाभ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? वो भूसा कूटने के समय ठीक बोला। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति में भी कह रहे हैं यथा तुषाव घातिनम है, हास के यदि आप बार बार कूटते रहे, क्या उससे ये मिलेगा, चावल मिलेगा? तो उसे क्यों, उसमें पड़ी है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो भजन साधन नहीं किया और अपने मन मन से ढंग से कुछ लिख दिया है, उस कीर्तन और कुछ लाभ नहीं, वो केवल लोकरंजन होता है मात्र है। समझ में, लोकरंजन हो जाता है, चित्त रंजन हो जाता है, अपने मन के रंजन हो जाता है, मन की खुराक दे दिया, किंतु आत्मा की खुराक नहीं हो है। इसलिए गुरुदेव स्पष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव लिखा वर्तमान काल में बहुत लोग अभक्त अभक्त के रचित व कल्पित रसाभास युक्त पौधों के जो है नाम मंत्र के रूप समझते हैं, ये शास्त्र युक्त मंत्र नहीं है तथा उनका कीर्तन करना उचित नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे वो सहजिया लोग कहते हैं निताई गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे, ये शास्त्र युक्ति नहीं है, रसाभास युक्त कहा है। क्या बोलते हैं ये कल्पित रसाभास युक्त पद हो जाता है, उसमें दोष आ जाता है। और भी चित्त के क्या कहते हैं, अनर्थ कर देते हैं। इसलिए जहां तहां पर बात कर्म से नहीं होता है, इसलिए श्रीमान महाप्रभु ने आदेश दिया है, जो प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र यह गया जपसदे परिया निर्बंध यह सर्वसिद्धि हुई वे सवार यह वही ना बोली वे ना बोलाई गया आमा प्रति स्नेह यदि थाके सभाकार यह बिना ना बोली वे ना बोलाई गया। महाप्रभु कह रहे मेरे पति जी स्नेह रहे, मेरे वाक्य के प्रति विश्वास हो है तो मेरा आदेश पालन करो है। आदेश कब पालन करेगा, किसके प्रति विश्वास हो, श्रद्धा है? आज उसे श्रद्धा नहीं, वो आदेश देना भी बेकार है। आदेश देना बेकार है, सकार नहीं है। इसलिए कह रहे हैं देखो गोसाई वर्ग की कीर्तन करो, नौतम दास ठाकुर विद्यापति चंडीदास है, और क्या नाम रूप गोस्वामी पाद की है, जिसकर के भक्ति विनोद ठाकुर की कीर्तन है, सप्तम गोस्वामी गौड़ी अपने अपने संप्रदाय की कीर्तन करना चाहिए है। आज जब तक संप्रदाय के कीर्तन नहीं करोगे उसमें शक्ति नहीं आएगा हमारे पास है। आज शक्ति कहाँ से आएगी है,
मेरा भाई के कीर्तन करो, द्वारका में सब वहीं से उधर पहुंचा दो। द्वारका में वहीं से के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा मिलेगी। ठीक है, अच्छा है, आओ द्वारका में भेज दो, द्वारका जाना है सब। यदि किसी के वृंदावन में भजन करना है तो महाप्रभु के परिकरों की जो है उसमें तुम्हारी लाभ करेगा। अच्छा, इसलिए करें नाम गुणानुखेन आसक्ति क्या, श्री कृष्ण के गुणों का आख्यान अर्थात गुणमय मधुर लीलाओं का वर्णन और श्रवण करने में जातोभा भक्त की पिपासा नहीं मिटती है और उसे सुनने के बाद इच्छा होती है, इसकी आसक्ति बढ़ती है। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, दो प्रकार के साधक बता रहे हैं, एक अजातरति साधक और एक जातरति साधक। जातरति साधक में जातोभाव भक्त के जितने भी बोलते हैं उसको क्या लगता है, प्यास और भी बढ़ता है, भगवत कथा में इतने आनंद होता है, श्रवण कीर्तन में उस समय तो कुछ बोला ही नहीं और भी बोलते रहे, आज में पानी पी लिया प्यास चला जाता है, किंतु जिसके वो क्या रोग हो जाता है, सन्निपात रोग हो जाता है। सन्निपात रोग क्या होता है, वो जितना भी पानी पिए और सोचता है और भी पियो। अच्छा, एक प्रकार और एक रोग है जल उदरी रोग होता है, जल उदरी समझते हो, बाण में पेट में पानी भर जाता है, उसमें क्या है, डॉक्टर को देखिए पानी मत पिला, फूलता चला जाए, फूलता जाए, ऐसे ही करते हैं, पता नहीं कोई करते नहीं, उसे सीविन से पानी निकालना पड़ता है, हमारे वो मठ में हम देखा, हमारे ये प्रभु था कालाचंद प्रभु था, उसके ऐसी था, उसे तो सीन से पानी अपने आप कहा रिपोर्ट हुए, उसके कथा है जल उदरी का है, उधर में जल भर जाता है, एक प्रकार रोग हो जाता है, सारे आपके खून के जो है वो पानी बना करके वहीं पर संचार करते हैं, पता नहीं क्या है, और उसमें जो क्या लगता है, प्यास लगता है, वो छटपटा चल रहा है, जितने पानी पियो और पियो और पियो। ठीक उसी प्रकार जिसकी ऐसे भाव अवस्था में चले जाते हैं, गुणानुखने असिद्धि, श्री कृष्ण के गुणों का आख्यान अर्थात गुणमयी मधुर लीलाओं का वर्णन और श्रवण करने में जातोभाव भक्त के प्यास पिपासा नहीं मिटती और भी सुनने की इच्छा होती है, इसकी और आसक्ति बढ़ती जाती है। तद वसति स्थले प्रति वृंदावन नवद्वीप धाम आदि भगवत धाम में वास करने की अभिलाषा को तद वसति स्थल में प्रति कहते हैं। कृष्ण की जो माधुरी जी जो धाम जो है उस धाम में वास कर, वृंदावन गिरिराज गोवर्धन है, राधा कुंड नवद्वीप धाम, ये सब धाम में वास करने की इच्छा करती है। धाम वास का लाभ तभी है जब शुद्ध भक्तों का संग हो, धाम में तो रहने से फल नहीं होता है, ज्यादा कुछ सुकृति बन जाता है इतने का, किंतु धाम में कैसे रहना है, शुद्ध भक्त के साथ, शुद्ध भक्त के साथ कैसे रहना,
हरि कथा आदि श्रवण है, धाम वास की इसी कहा जाता है हरि कथा आदि श्रवण है, धाम में पड़े रहे सुख की होगा थी है। कोई धाम में रह रहे हैं, यदि अपराध नहीं किया केवल कि धाम में रह रहे वृंदावन और गिरिराज गोवर्धन अवधि धाम आदि रहते हैं, ये भी अच्छा है। किंतु यदि साधु संग नहीं हो, हरि कथा नहीं हो, विशेष कोई लाभ नहीं है, केवल मात्र सुकृति हो जाता है। इसलिए धाम वासुसी कहा जाता है, कैसे शुद्ध भक्त के साथ हरि कथा श्रवण कर। दिल्ली में रहकर क्या वो धामबाज हो रहा है, है? पता ही कि नहीं, क्योंकि हरि कथा साधु संग हो तो धामबाज हो जाता है। और कोई वृंदावन में रह करके उसमें कुछ ना, वृंदावन यदि साधु संग नहीं हो, हरि कथा नहीं हो, वो धामबाज करके कुछ फायदा नहीं है। केवल मात्र ये अपराध नहीं हो, सुकृति होता है बस। अपराध हो तो वो भी धाम की बात नहीं है। इसलिए धाम में रह गए थोड़ा अपराध हो जाए वो कठोर बन जाता है। क्या बोला, जैसे वृंदावन में रह करके कहीं आप गलत काम कर लिया है वो बज्रलेप बन जाता, बज्रलेप समझते हो, थंडरबोल्ट बन जाता, और भी कठिन होता है। दिल्ली में रह करके कई अपराध कर दिया वो उतना अपराध नहीं, वो इतना क्या बोले वज्रलेप नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं, धाम में रह करके कई अपराध किया, धाम अपराध हो जाता है तो वज्रलेप बन जाता है, और धाम के बाहर रह करके कई अपराध किया वो वज्रलेप नहीं होता, इतना अधिकार, इतना कठोर नहीं होता। धाम में रह के जितना हम फल प्राप्त करते हैं और उतना ही नुकसान भी अधिक हो जाता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, नुकसान भी हो जाता है। इसलिए धाम में रहना कैसे, सतर्क होकर रहना पड़ता है। इसलिए करें धाम, इसलिए वृंदावन नवद्वीप आदि भगवत धाम में बात करने की अभिलाष को तद वसती स्थलीय प्रति कहते हैं। धाम वास का लाभ ही तभी है जब शुद्ध भक्त का संग हो, तब तो लाभ होता है, नहीं तो कुछ लाभ नहीं। क्योंकि बद्ध जीव के जो है धाम के अनुभव तो है ही नहीं, आप वृंदावन के मिट्टी और दिल्ली की मिट्टी में क्या देखा, कोई अंतर देखा? वृंदावन तो कहने क्या है, भूमि चिंतामणि गणवेन तंग अमली तंग कथा गान नाट्य गवन हो गए, भूमि चिंतामणि। वृंदावन की एक एक रज जो है वो क्या है, चिंतामणि कर, भूमि चिंतामणि। जल क्या है, अमृत, भूमि चिंतामणि गणमय तोयम अमृतम है। वृंदावन के जल पान करते कि नहीं पिया, और दिल्ली के जल पिया, क्या अंतर देखा? सब वृंदावन के जल पी करके सब पेट खराब हो गया। चिंता है कि नहीं, मैं सब सब बाहर के पानी लेकर सब पीना शुरू करते हैं, बिस्लारी पीते हैं वृंदावन के एक भी जल पे, सब दिल्ली से ले जाओ और तो कहाँ है बताओ। किंतु आपने अनुभव नहीं है, क्यों यार हमें इसलिए तो अमृत कहाँ हुआ है? यहाँ तो भी जमुना में
क्या बोले, आत्मन करने में भी संकोच हो जाता है। क्यों? जल में कितने कीड़ा दिखाई पड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे देखो, चिन्मय बुद्धि नहीं होता, चिन्मय दिखाई नहीं पड़ता। आप पी लिया तो आपके पेट खराब हो जाएगा, हो गया कि नहीं है? इसलिए ये सब बता रहे हैं भाई। देखो वास्तव में वास क्या है, वृंदावन में वास, तस वशिष्ठले शुद्ध भक्त के साथ भगवत कथा आदि, भगवत कथा इसलिए करे। धाम वास का तभी लाभ है जब शुद्ध भक्त का संग हो, शुद्ध भक्त के साथ कथा परस्परानु कथा नाम मिथो रुति मिथो उपवर्तते, है कि नहीं? ले यहाँ पर भी करे, गौर अमार जिसब स्थाने, गौर अमार जिसब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, सेसब स्थान हेरब आमी रणी भक्त स्थान। धामवासी धामवासी जने प्रणति करिया मागी व कृपाल देश, धामवासी जन ये भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं। तो धाम में जो रहने वाले ये व्यक्ति जो है उसके उनके देख करके क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। धामवासी जने प्रणति करिया है माघी वकृपालेश, दीन हीन होकर के उनसे प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? ब्रजवासी जन सुनो मोर कथा, दिखाओ सिराधाना थे, हे ब्रजवासी जन आप कृपा करके मैंने प्राणनाथ है राधा गोविंद के दर्शन कराए। जो ब्रज में रहे उसके तो दर्शन है, वो कहाँ दर्शन कराए? अच्छा बताओ, ब्रज में जो लोग अभी जो रह रहे हैं उनके दर्शन हो गया? वो जो उनके दर्शन है तो हमें कहाँ दिखाई देगा? ब्रजवासी जवान सुनो मोरे कथा, दिखाओ श्री राधा नाथे, राधा जी के प्राणनाथ गोविंद के दर्शन कराओ। वो स्वयं दिखाएंगे, दिखाएंगे क्या आपको? क्या दिखाएंगे? एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे के दिखाएंगे कुछ है? जिन्होंने देखा उनको वो दिखाएंगे, और जिन्होंने देखा ही नहीं वो क्या दिखाएंगे? अंधा जितने उपनिम चंद्र उदाम नहीं बद्दा है अर्थ श्लोक मते न कृष्ण पर सतो वा मिथो विपदे गृहव्रतान अदांत गोभी विशतांग तमिश्र पुनः पुनश्च चोर भी तो चोर बना नदुषाटंगते विष्णु दुरास है जे भैरथ मन अंधा जचंद उपनियमान ते उदाम निबद्धा। अंधा जचंद उपनियमान, एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति के लिए लीड करे है और दोनों ही जाकर के गड्ढे में गिर जाएंगे, कौन किसको उठाएंगे? एक राजा था अपने मंत्री के जो है प्रश्न पूछते थे और मंत्री राजा के सारे प्रश्न के उत्तर देके माने राजा के सारी कथा को खंडन कर देते थे। मंत्री बहुत बुद्धिमान थे, राजा जो कुछ प्रश्न करते थे जो कुछ पूछते हैं वो खंडन कर देते थे। राजा थोड़ा मन मन करके ये सब हमें परास्त कर देते हैं भाई, किसी से परास्त होना अच्छा लगता है क्या? क्या लगता है? मैं उसको परास्त करूं, ये भावना होता है क्या? अच्छा, किंतु देखो मंत्री सदा सर्वदा राजा को युक्ति को खंडन करके
राजा के पास प्रार्थ कर देंगे। राजा के मन में थोड़ा दुख हुआ, ये मंत्री मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसको कैसे प्रार्थ किया जाए। तो एक दिन राजा राजसभा में बैठे, उस समय मंत्री आया ही नहीं, मंत्री आने में थोड़ा देर कर दी, लेट। उस समय सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, सब प्रजा लोग करने लगे, महाराज आप कुछ सुनाइए। तो राजा कहने लगे देखो आज एक सुंदर सपना है, मेरा सपने की कथा सुनाता हूँ। राजा सपना सुनाने लगे, बोले देखो सपने में मैं और मेरा मंत्री, वही मंत्री, दोनों एक जगह में जा रहे थे, चलते चलते देखा क्या है, दोनों सरोवर था, टू पॉइंट, एक है अमृत के पॉइंट था, खीर के समुद्र, खीर का पॉइंट, मतलब क्या बोलते हैं, जला तालाब, हाँ एक है खीर का तालाब था और दूसरी तरफ था पायखाना की तालाब था। तो मैं और मंत्री दोनों चल रहा था सपना में, राजा कह रहे हैं, चलते चलते राजा कहने लगे देखो मैं खीर का जो है तालाब में मैं गिर गया और मंत्री पायखाना के जो है तालाब में गिर गया है। आज नहीं, तो सब लोग हंसने लगे, सब ताली बजाने, वाह महाराज आप खीर के तालाब में गिर गए और मंत्री पायखाना के तालाब में। इसके बाद क्या हुआ, बोले महाराज बोले मेरा स्मरण नहीं आ रहा, महाराज बोले मेरा नींद टूट गया, मैं स्मरण नहीं आ रहा। ठीक उसी समय मंत्री आ गए, मंत्री आकर बोले महाराज आप जो सपना देखा मैं वही सपना ही देखा। बोले कैसे, कौन सा सपना, आप और मैं दोनों जा रहा था, आप खीर के समुद्र में गिर गए और मैं पायखाने के, और सब लोग हंसने लगे, देखो एक ही सपना दोनों देखे, हाँ जी किंतु महाराज आपका सपना तो वहीं पर टूट गया किंतु मेरे सपना जो है थोड़ा आगे आपको मैं सुना देता हूँ। बोले हाँ क्या सुना, ये महाराज जब आप खीर के समुद्र में आप डूबते जा रहे हैं है? तो मैंने क्या कि जल्दी जल्दी पायखाना के तालाब से मैं आकर के खीर के तालाब में आपके पास आ गया है ना, आप मुझे आलिंगन कर लिया, मैं आप करके मैं आपके शरीर चाटने लगे, आप मेरे शरीर चाटने समझ गया, आप खीर समुद्र में रह के, मैं खीर समुद्र खीर के तालाब में रह कर पायखाना खा रहे हैं और मैं सब लोग हंसने लगे, तो मंत्री जय हो, मंत्री सोचने लगे, राजा सोचने लगे मैं मंत्री को हाथ कर दूंगी नीचा दिखा, किंतु हो गया क्या उल्टा। अच्छा लगा, अच्छा लगा राजा ना। बोले इसलिए क्या करें, कोई धाम में रह, धाम में बास करके जड़ चिंता कर रहे हैं और कोई धाम के बाहर रह करके देखो धाम की प्रेम माधुर्य चिंतन कर रहे हैं, तो कौन श्रेष्ठ हो है? खीर के तालाब में रह करके वो क्या चाट रहे हैं है? हाँ समझे। तो उसी प्रकार जो है धाम वास उसके कहा जाता है, धाम में रह करके
सत्संग में रह करके भगवत लीला कथा आदि श्रवण है आज, नहीं तो लाभ कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं धामवासी जने प्रणति करिया मागी वो कृपा जो धामवासी है उनकी है प्रणाम करके ये पूछेंगे कृपा के बारे में बता। इसलिए कहते हैं शरीर के द्वारा यदि धामवास संभव न हो तो मन ही मन धामवास करें और शुद्ध भक्त के साथ भागवत आदि का श्रवण कीर्तन करें, जो यह भी धामवास के समान है। समझ में आया कि नहीं? धामवास करें और शुद्ध भक्त के साथ श्रीमद् भागवत आदि का श्रवण कीर्तन करें, तो यह ही धामवास कार्य। भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कवि और कर्मी और ज्ञानी के यदि उल्लिखित तो भाव का कोई विचार नहीं दिखाई पड़े तो उसके उस भाव का प्रतिबिंब और अत्ताभास समझना चाहिए। यदि अज्ञ व्यक्ति में भक्तों के संग में भाव के चिन्ह दिखाई हो तो उसे छाया रूप भक्तभास भक्ताभास कहा जाता है। इसमें भी एक सुंदर बात बता रहे हैं, कोई राधा कृष्ण के चिंतन कर रहे हैं, भजन आदि कर रहे हैं, किंतु उसके हृदय में क्या है? भोग और मोक्ष की कामना रहते है। ऐसे रहने पर जो दिखाई पड़े उसकी कहते हैं प्रतिबिंब रत्ताभास समझना चाहिए। प्रतिबिंब रत्ताभास हो जाता है, यदि अज्ञ व्यक्ति में और भक्त के संग में भाव के चिन्ह दिखाई दे तो उसे छाया भक्तभास भी कहा जाता है। कभी कभी अज्ञ व्यक्ति से शास्त्र को ही ज्ञान नहीं है, कथा सुन करके शुद्ध भक्त की कथा सुन करके उनके हृदय द्रवीभूत हुआ और रो पड़े, उसके क्या समझना चाहिए? छाया भक्तभास छाया भक्तभास का जो है छाया रूपी भक्तभास है। समझ में आया कुछ है? तो हृदय में जो उत्पन्न होता है तीन है, एक प्रतिबिंब रक्ताभास, दूसरी है छाया और एक शुद्ध शुद्ध रुचि हो जाए। आभास तो नहीं, आभास तो नहीं, आभास तो चलेगा ना, आभास क्या? पहले बताया क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रत्ताभास किसको होता है? कर्मी अथवा ज्ञानियों के जो है, जैसे कर्मी ज्ञानी है वह मुक्ति की भावना रखते हैं, मुक्ति के विचार रख करके कथा आदि श्रवण श्रवण में जो क्रिया आदि होते हैं, कभी आंखों से आंसू आ जाता है, ये समस्त क्या होता है? प्रतिबिंब रत्ताभास का जो है। छाया होता है क्या? अज्ञ व्यक्ति वास्तव में उसकी कोई जानते नहीं, ना मोक्ष वांछा करते हैं, मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, मुक्ति के बारे में नहीं जानते हैं, अथवा भोग आदि कर्मी उसके भी वो करना नहीं चाहते, बस स्वर्ग आदि लोग प्राप्ति करना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति व्यक्ति में कभी कभी यदि रोमांच कंपास दिखा जाए, आंखों से आंसू दिखा जाए, तब ये समझना चाहिए ये समस्त क्या है? छाया भक्ताभास भी कहा जाता है। प्रतिबिंब छाया में छाया के साथ काया के साथ जोग रहता है,
प्रतिबिंब के साथ जुग नहीं रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है। जैसे चंद्रमा की प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ा? नदी में पड़ा, जल में पड़ा, किंतु नदी के जल के साथ चंद्रमा के साथ कहीं कनेक्शन नहीं है, आज नहीं। किंतु देखो वह नदी के तट पर पेड़ है और पेड़ के छाया कहाँ पड़े? नदी में, जल में पड़े, किंतु देखो वो छाया के साथ वो पेड़ के साथ कनेक्शन रहता है। छाया के साथ उसे क्या बोले? पेड़ के छाया जैसे हमारे हाथ है, ये हाथ के साथ देखो यहाँ से सूर्य यहाँ से दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा टच रहता है, विषय वस्तु से वो टच नहीं रहता। जैसे प्रतिबिंब उसे कहा जाता है जिसकी मूल विषय के साथ उसके कोई कनेक्शन नहीं है। प्रतिबिंब वो भी तो छाप, वो तो प्रतिबिंब पड़े, शैडो तो है, क्योंकि चंद्रमा की, जैसे मैंने कहा चंद्रमा के प्रतिबिंब कहाँ पड़े? नदी के जल में पड़ा, नदी में, नदी के जल में, किंतु चंद्रमा के साथ उसके वो छाया के साथ, वो जो छाया जो देख रहे हैं कहाँ पर? जल में, चंद्रमा जो आप देख रहे हैं उसके साथ इसके साथ कोई है कुछ कनेक्शन नहीं है, वो दूर है, वो दूर है, किंतु छाया तो पड़ा ना, उसे रिफ्लेक्शन तो पड़ा है। चंद्रमा के रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ा? जल में पड़ा, ये बहुत दूर होने के नाते उसे साथ कोई कनेक्शन नहीं। और देखो पेड़ के साथ, पेड़ कहाँ पर है? नदी के तट पर है, किनारे में, और उसके छाया कहाँ पर है? जल में पड़ा, नदी के जल में पड़ा, देखो उसे नदी के जो आपको दिखाई पड़ेगा ये छाया, और ये छाया के साथ पेड़ के छाया से लेकर के पेड़ के साथ दिखाई पड़ेगा। देखा कभी नहीं देखा? निकट तो नहीं, ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं। भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कौर्मी और ज्ञानियों में यदि उल्लिखित भावों का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उसे भाव का प्रतिबिंब या रत्ताभास समझना चाहिए। प्रतिबिंब भाष व रत्ताभास होने और यदि अज्ञ व्यक्ति में भक्त की संग से, भक्त के संग अज्ञ व्यक्ति जो है वो भक्त के संग से जब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते मानो उसके हृदय द्रवीभूत हुआ, आंखों से आंसू आए, तो उसे क्या समझना चाहिए? ये छाया का अभी शुद्ध रति भाव उत्पन्न नहीं हुआ किंतु उसके छाया है। ये होने के नाते छाया जो भाव जो बात छाया जो रत्तावास जो है ये लाभदायक है, क्योंकि भक्त के संग हुआ और उनको क्या हुआ? कौर्मी ज्ञानी के भक्त के संग नहीं होने से उनके हृदय में यदि रोमांचक कंपासु यदि दिखा जाए है वो क्या लाभदायक नहीं है। समझ में आया कुछ? सुनते रहो एक जना है? इतना बोला और क्या बोलेगी? जीव धर्म में यही कथा बोल रहे हैं, जीव धर्म मैं जो उदाहरण दिया मैं उदाहरण दर्शन बोलना नहीं, बोलता नहीं, जीव धर्म में यही उदाहरण दिया, जीव धर्म पढ़ा वही, जीव धर्म पढ़ो यही उदाहरण दिया। ये नदी के तट पर जो वृक्ष जो है, वृक्ष के छाया कहाँ पर पड़ा? नदी पर, जल में पड़ा, किंतु देखो वो छाया के साथ वृक्ष के साथ जो है कनेक्शन है, और चंद्रमा दूर है, है? उसके साथ कोई नहीं, वो तो प्रतिबिंब पड़ेगा उसके प्रतिबिंब का, इसलिए छाया और प्रतिबिंब में अंतर है, है?
और जल का जो हमने एग्जाम्पल लिया वो भक्त के साथ अभक्त का वो लिया, भक्त के संग से जो क्रिया जो अशांति विकार दिखाई पड़ता है, किंतु अज्ञ होने पर भक्त के संग होने से यहाँ पर कंडीशन ये आ रहा है, शास्त्र ज्ञान नहीं रहने पर भी भक्त की संग होने से है और उनके जो रोमांचक कंपास दिखाई पड़ता है उसी की कहा जाता है छायारत समझ कहा जाता है। ये तो नहीं समझ, और कौर्मी ज्ञानी जगह के लोग उनके भक्त के संग नहीं हो रहे है, किंतु उनके हृदय में जो भाव रोमांचक कंपास आदि दिखाई पड़े, आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो है प्रतिबिंब रत्नाभास कहा जाता है। इतना ही अंतर है। इसे सत्संग के सत्संग में रह करके यदि कोई ये समस्त यदि हो माने रोमांचक कंपास हो वो लाभदायी है, और सत्संग नहीं हुआ है आंखों से आंसू आ रहे वो लाभदायी नहीं। इतने ही तक समझना चाहिए। इसे कहते भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कौर्मी और ज्ञानी में यदि उल्लेखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उसे भक्त का उसे भाव का प्रतिबिंब या रत्ताभास समझना चाहिए। और क्या बोले, हिंदी तो बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा, समझ में आया कि नहीं, क्या बोला? मैंने पूर्वज कहा गया यार जो भाव जो अष्टसात्विक विकार जो कार्य आंखों से आंसू आना है, पोषण कहा था आंखों से आंसू आना है, ये समझते अष्टसात्विक विकार में आता है, आंख में आंख से आंसू आ, आंख से आंसू किस लिए आ रहे थे? भक्त के संग नहीं हुआ, और भक्त के संग करके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसके भक्त उसके भाव प्रतिबिंब हो जाते हैं। भावना क्या रह रहे, आंखों से आंसू आने की कथा सुनकर के आंखों से आंसू आने की भावना क्या रह रहे है? अपने प्रतिष्ठा हो अथवा नहीं हो, यदि भोग की वासना रहते हैं मुझे व्यक्ति प्राप्ति हो, कथा सुन दे और चिंतन क्या कर रहे हैं, अपने बकरी के चिंतन कर रहे हैं, आंसू आ रहे किसलिए, आंसू किसलिए आ रहे वो देखना है, कारण क्या, किसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं, कथा सुन करके आंखों से आंसू आ रहे, वो बुढ़िया बोले ना कथा सुनाती है ना, वो बुढ़िया कथा सुनकर रोने लगी, तो कथा समाप्त तो हुई उसके पूछा गया है भाई तुम क्यों रो रहे हो आंखों से, बोला मेरा एक आपकी कथा तो कुछ समझ में नहीं आया है, तो हमारी कथा सुनकर तुम्हारा आंसू नहीं आया, नहीं समझ में आया तो रो रहे क्यों, बोले महाराज आज 3 दिन हो गया मेरा एक बकरा था है, उस बकरा के जो है दाढ़ी आपके ही भांति था, आप जब दांत कथा बोलते हो मुंह के जब हिलाते हो वो मेरा बकरा की याद है, देखो बकरा की याद करके वो रो रहे, रोने की कारण क्या है, बकरा बकरा खो गया ना है, ही लॉस्ट हिज गोट इसलिए रो रहे हैं, कथा सुन करके नहीं रो रहे, एक व्यक्ति रोते हैं हंसते हैं कुछ भी करे उसके क्या कारण हम उसे पता लगाना पड़े है। ये तो कर्मी हो गया, और ज्ञानी में कैसे उदाहरण, ज्ञानी में और एक क्या बोले मोक्ष मुक्ति के लिए जा रहे हैं, अन्य शुद्ध ब्रह्म वो ये भावना, ब्रह्म
भावग्रही जनक भगवान क्या लेते हैं, आपके भाव क्या है, वही वस्तु का भगवान नहीं ले रहे, इसे कहते हैं भावग्रही जनार्दन। जनार्दन भगवान आपके भाव को ग्रहण कर किस लिए रो रहे, रोने के कारण क्या है, नित्य करने के कारण क्या है, आज समझे ये व्यक्ति नित्य कर रहे किस कारण से नित्य कर रहे उसको जानना है। समझ में आ रही कि नहीं, इसलिए नित्य क्या बोले कर्मी और ज्ञानी नित्य भी करते हैं, आज समझे किसे नित्य करते मोटा है हमारा कम हो जाए शरीर में पतला है मोटा हो जाए, उन्हें नित्य करने की कारण हमको समझना चाहिए, और यदि वो नित्य कर रहे हैं नाच रहे किस लिए नाच रहे कारण अभी पहले समझने के प्रयास करो, एक व्यक्ति नृत्य करो उसके कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, जिद नृत्य कर रहे भगवत प्रेम में नृत्य कर रहे हो भगवान प्रसन्न हो गए तो उसकी भक्ति कहा जाएगी, आ समझे, अरे इधर ठंडी लग गया नहीं तो करो कैसे करो, अरे लोग करते हैं पहाड़ एक तो मॉर्निंग वॉक में करते हैं क्या बोले जॉगिंग करते हैं बॉडी बिल्डर बना रहे दोनों व्यक्ति नृत्य कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति क्या बोलते हैं कसरत कर जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करते हैं ना किंतु दोनों की उद्देश्य अलग यदि रहे तो अलग फल होगा, एक व्यक्ति जॉगिंग करे अपने शरीर को ठीक करने के लिए शरीर को गर्म रक्त संचालन होगा शरीर ठीक रहेगा वो फल अलग हो रहा है, और एक व्यक्ति नित्य से रख रहा है भगवत कथा आदि सुनकर के साधन रूप में ऊपर से आपको पता नहीं चलेगा कारण क्या है, किंतु जब आप अंदर में देखोगे तब पता चलेगा, समझ में आ गया यही है कारण है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानी के यदि उल्लेखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई भी पड़े, भाव के जो चिन्ह क्या बताएगा, अरे भाव के चिन्ह बताए ना, ये तो आंखों से राष्ट्रशात्विक विकार का है, छात्र वर्तम दृप्त मानस ये आठ लक्षण जो बताया गया, नौ लक्षण एक्सटर्नल सिम्टम्स और एक्चुअली रुचि कहा जाते भाग बाद ये जो लक्ष्मण देखो यहाँ इसलिए करे गुरुदेव लिख रहे हैं भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञानी के यदि उल्लिखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई पड़े तो उसे भाव का प्रतिबिंब या रक्ताभास समझना चाहिए, यदि अज्ञ व्यक्ति में भक्त के संग में भक्त के संग में यदि वो भाव के दिखाई पड़े चिन्ह दिखाई पड़े भाव के जो नौ प्रकार के एक्सटर्नल सिम्टम जो बताया गया और जो अशक्ति विकार आठ प्रकार के शक्ति विकार बताया गया इसके द्वारा ही आपको पता चलेगा वो शुद्ध भक्त है। इंटरनेट से सिम्टम तो बताया नहीं, बताया इंटरनल सिम्टम क्या क्या है याद है, अंतर्निहित चिन्ह क्या है भाग के अंतर्निहित चिन्ह तीन क्या क्या,
तीन अभिलाषा रहता है, सौहार्द अभिलाषा, बस हो गया। अनुकूल अभिलाषा, भगवत प्राप्ति अभिलाषा और सौहृद अभिलाषा। सौहृद अभिलाषा ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तीन अभिलाषा रहते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा एवं सौहार्द अभिलाषा। सौहृद माने नित्य परिक्रमा के साथ मित्रता भाव रखते हैं, जैसे रूपमंजरी के भाव को लेना है तो रूपमंजरी के साथ वो मित्रता रखते हैं, है? जिस भाव, जिसके भाव लेना है उसके साथ मित्रता करना पड़ेगा ना, तब तो देंगे भाई। जिससे हमें कार्य सिद्धि करना है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, मित्रता रखना। अब बात ऐसे ही कि नहीं, उसके साथ मित्र नहीं करो तो आपको मिलेगा नहीं होगा। जैसे कोई रूपमंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा करना चाहते तो उसके क्या करना पड़ेगा, रूपमंजरी के साथ मित्रता करना पड़ेगा। आप किसके साथ करना चाहते हो, ललिता देवी के, ललिता देवी के साथ क्या करना पड़ेगा, मित्रता करना पड़ेगा, है? आज पल्लवदासी करी ललिता सुंदरी हमारे लैया कवि श्री राधिका पदे काली मिलाई वे अज्ञा सेवा समर्पित, है कि नहीं। ललिता देवी के साथ मित्रता करो तो आप ललिता देवी आपको क्या करेगी, राधे के पास ले जाएगी, है? है? बोले आज रूपमन जी के साथ करो, जिसके साथ मिलता था वो आपके ले जाए, साथ श्री बात, तात्पर्य क्या है, उनके भावों के प्राप्ति करने के लिए वह कथा आदि सबको श्रवण करना पड़ेगा। किसी के साथ मित्रता मतलब क्या है, उनकी प्रति हमें स्नेह प्रीति रहता है, आसन तब उसके भाव का हम प्राप्ति करेंगे। किसी के जी ललिता को भाव लेना तो ललिता अष्टक पढ़ते हैं, ललिता अष्टक पढ़ो कितना समय, जंग काम ओपी जंग जंग काम ओपी ब्रजकुले विश्वान हो जाए, किसी के हृदय में इतना ही कामना हो जाए जे मैं विश्वानंद श्रीमती राधिकी की दासी बनना चाहता हूँ, इसलिए कथा जो है इसी कथा को मैं राधा जी की दासी बनना चाहता हूँ। इस कथा के ललिता के कान में पड़े, ललिता क्या कहते हैं, शब्द घटे उसी समय ललिता उसको पकड़ के राधा जी के पास ले जाना, देखो राधा जी ललिता जी कितने कोने में है आज, यही भाई जिसके साथ मित्रता रखोगे वही तुम्हें तो देंगे, है? वो वस्तु देंगे, है? ये तो एक पर्सनैलिटी नहीं है, पक्षपातित्व नहीं है, ये स्वाभाविकता ही है भाई। जो सेवा किया उसका आप तो दे रहे हो ना, बोले ये व्यक्ति आ जाओ ये फल ले जाओ, आप बाकी जो खड़े बोले बचे तो अब दिया जाएगा। अब आदि सही है कि नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे कोई मित्र शत्रु नहीं है जो आज ले जाएगा, क्या ले जाए है भाई। भाई सीधी बात बोलो, झूठ मैं थोड़ी बोल रहा, आपने भागवत गया मानो ये 2,000 रुपया 5,000 आपको सेवा में दिया तो उनको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है? जो कुछ नहीं दिया ऐसे आने वाले जाने वाले उसको दे दो, जो दिया तो फिर वो देंगे नहीं, भागवत कहां से कर रहे, सीधी बात बोल, थोड़ा बहुत सुनने में कष्ट होता है कि नहीं, देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब बात ऐसे ही है कि नहीं बताओ, है? आप भी हो हम भी हो जो भी हो, है ना, सब बराबर है, जो दिया उसके भी
और नौ दिया सब एक बराबर कैसे हो जाएगा? जो सेवा के उसको तो देना पड़ता है, नहीं तो आगे वो कहेंगे अरे हम सेवा दिया हमें दिया भाई सर जगह देते सब सब थोड़ी मुक्त पुरुष थोड़ी आए। अब बात सही कहने के नहीं कारण मैं सत्य भजन कर रहा हूँ, हमारा सब बराबर कर दो, सब भेद होना नहीं चाहिए, तुम्हारे उंगली तो भेद है, सब उंगली सब बराबर है, ये कितना ये देखो मोटा है या छोटा है, ये छोटा है और पतला भी है। है कि नहीं? ये भी एक है, ये भी है, अलग अलग सब पांच उंगली पांच प्रकार की है, ये मोटा है और ये पतला है, तो बराबर कैसे हो गया? भेदी प्रधान रहता है, लोग कहते हैं सब बराबर है, परम गुरु ने कहा पैखाना उसके खीर सब बराबर है, दोनों की खाओ। परम गुरु हमारे उदाहरण देते हैं, भक्ति प्रज्ञान के बोले सब बराबर है, बोले हाँ पैखाना और खीर सब बराबर है, दोनों खाओ। बोले क्यों? आप तो बराबर सब बोल रहे हैं ना। बराबर सब है? जैसे देवी देवताओं के लिए भी शब्द यूज करते हैं ना कि सब बराबर है, हम किसी को श्रेष्ठ और निश्रेष्ठ नहीं समझते, मूर्ख है ये भी समझते नहीं, उसको बोलते मूर्ख है, वो शास्त्र पढ़ाई नहीं तो कहाँ समझेगा तू, छोटा बच्चा जैसे सबके बराबर समझते। परम गुरु मां जो है बिल्कुल जो है डायरेक्ट उत्तर दे देते, अरे सब बराबर है, तो पत्नी और पति सब बराबर है। मैं भी उदाहरण देती हूँ कि पूरे एक ससुराल में आप रहे हो पति के साथ, तो पूरा परिवार जितने भी वहाँ पे पुरुष जाते हैं सारे आपके पति हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा समय हो गया, बहुत सुंदर सुंदर ये कथा, जितने भी पढ़ो आनंद आए। हाँ जो कह रहे हैं यहाँ पर भी कह रहे हैं, जो कर्मी और कहाँ गए, हाँ भोग और मोक्ष की कामना करने वाले कर्मी और ज्ञान के यदि उल्लिखित भाव का कोई चिन्ह दिखाई पड़े, कर्मी अथवा ज्ञानी में यदि यदि उल्लिखित जो भाव का चिन्ह, भाव का चिन्ह क्या बता दिया, छांद्र भक्त कालोत्तम ये सब जो नौ चिन्ह भी दिखाई पड़े तो अब उसमें समझना चाहिए क्या, प्रतिबिंब रक्ताभास समझना चाहिए, और अज्ञो व्यक्ति में यदि कहीं पर दिखाई पड़े किंतु अज्ञो व्यक्ति में भक्त के संग से हो रहा है, वो जानते नहीं है तत्व सिद्धांत नहीं जानते, किंतु भक्त के संग में पढ़ के नहीं कभी छांत प्रतिकार तुम भी दिखाई पड़े तो उसको समझना चाहिए ये भक्ताभास हो रहा है, ये क्या बोले छाया रूप भक्ताभास दिखा रहे, भक्त के संग हो रहे हैं ना ये, इसलिए दिखा रहे छाया रूप भक्ताभास कहा जाता है। नित्य विलुंडित गीत क्रोशन उन्मोटन, अंतकरण में भाव की प्रकट करने वाले बाहर की विकारी को अनुभाव कहते हैं, जैसे नित्य विलुंठन भूमि पर लौटना, गान जोर से चिल्लाना, अंग का मुड़न, हुंकार जंभाई, दीर्घ सांस, लोक अपेक्षा त्याग, लार टपकना, जोर से हंसना, चक्कर आना और हिचकी, ये समस्त क्या वही लक्षण कहा जाता है, बाहर के अनुभाव कहते हैं।
जैसे जैसे कोई नित्य कर रहे, नित्य आदि करना क्या है, अनुभव कहा जाता है, बड़ी लक्षण है। किंतु इसमें फिर कारण दिखा रहे, किसलिए वो नित्य कर रहे, ये भी देखना पड़ता है, वो जाने उद्देश्य क्या है, है? आप हंस रहे हो, किसलिए हंस रहे हो, है? हंसना है, नित्य करना है, जो कुछ भी है उसके कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, है? एक आदमी आप किस लिए रो रहे हो, आप रो रहे, रोने के कारण बता रहे, जैसे बताया है? एक भक्त रो रहे है और एक अज्ञ व्यक्ति रो रहे, बुढ़िया, वो बुढ़िया बुढ़िया जी वो रो रहे। अच्छा, दोनों के रोना एक हो गया क्या? श्रीवास ठाकुर रो रहे हैं कथा सुनकर, और वो बुढ़िया जो कथा सुना है वो रो रहे, दोनों तो रो रहे हैं, है? तो पूछने पर पता लगे, भाई तुम क्यों रो रहे हो, बताओ, देख ऊपर से देखना तो एक ही है, है? गीता पढ़ रहे हो रो रहे, महापुरुष ने पूछा तुम क्यों रोते हो, कहते जब मैं जावत गीता पढ़ू तावत कृष्ण दर्शन है, तावत कृष्ण है दर्शन। वो बालक कह रहे हैं ये मैं गीता के और शब्दार्थ तो कुछ नहीं, मुझे तो ये पता भी नहीं, किंतु गुरु आज्ञा पालन करके मैं गीता पढ़ता हूँ, जब गीता पढ़ता हूँ देखते कृष्ण अर्जुन के रथ पर रथ चला रहे हैं, और ना कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ पर बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं, बस ये दृश्य मजा आ रहा है और मेरा हृदय द्रवीभूत हो रहा है। गीता के अर्थ मैं समझता नहीं, शब्दार्थ नहीं जानी है, मुझे पता नहीं क्या है, श्लोक जो पढ़े गीता की, धर्मक्षेत्र पढ़े धर्मक्षेत्र क्या है मुझे पता नहीं, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संविदा युग से मामका पांडवश्चैव किम अर्पुरपौत्र संजय है, ये तो श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, श्लोक का अर्थ मैं नहीं जानता, किन्तु जब मैं श्लोक पढ़ता हूँ देखता हूँ क्या, ये कृष्ण अर्जुन के रथ को एक हाँक रहे हैं, रथ के जो घोड़े के लगाम पकड़ करके बैठे और अर्जुन ऊपर रथ में और भगवान उनको ये बहुत सुंदर उपदेश दे रहे, ये दृश्य मैं देखता हूँ, ये देखते ही मेरा हृदय दबी उदर हो रहा, कितना सुंदर बात है। और एक व्यक्ति गीता श्लोक पढ़ रहे हैं रो रहे हैं, एक व्यक्ति सुन रहे रो रहे हैं, किस लिए ना उसको दाढ़ी दोनों ही रोना है, दो व्यक्ति रो रहे हैं किंतु किस कारण से रो रहे वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये नहीं है जो रो रहे इसलिए प्रेम हो गया, ये आप नहीं कर सकते, समझ में आया कि नहीं, आ गया, आ गया तो अच्छा है, नहीं आ गया तो बार बार सुनो, ये तो सरल है, क्यों नहीं आ गए, मुक्का मारना पड़ेगा माथा पर, है समझ में आ गया कि नहीं, किसको समझ में नहीं आया, जो नहीं सुन रहे उसको समझ में नहीं आया, सुनो तो अच्छा, बहुत सुंदर बात कही, इसलिए देखो ये समझते इसे अंतकरण की भावों का प्रकट करने वाले बाहर के विकारों का अनुभव कहते हैं, अंतकरण में जो भाव को जो है जो विकार होता है इसके अनुभव कहते हैं, जिससे उसे कहता है जैसे नृत्य कोई नृत्य कर रहे ये सब अनुभव में आता है, अंतकरण हृदय नष्ट है तो उसे प्यार आदि अपने आप वो नाचता है, वो नहीं जी नाच रहे, वो नहीं नृत्य कर रहे, कौन करा रहे, हृदय की भाव को करा दे आज यही होता,
हम देख रहे तो वो नित्य करे, बस तो वो नित्य नहीं करे हैं, पॉजिटिव बार बार है, वो निसंग नहीं देख रहे दिखा रहे। जैसे माँ बालक के क्या करे, चंद्रमा को दिखा रहे, जैसे पॉजिटिव भाव भारत कहते ना, वो संग नहीं कर दिख रहे दिखा रहे हैं। एक सी होता है और क्या होता है सो है, हम देख रहे हैं डायरेक्ट देख रहा हूं, ये क्या होता है सी होता है आई सी है। और माँ पुत्र को दिखा रहे हैं, मदर शोज द मून है, माँ चंद्रमा को दिखा रहे हैं, तो माँ देख रही है और साथ ही साथ दिखा रही है, और हम देख रहे हैं माने डायग्राम देख रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर कैसे है, हम देख रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ और मैं आप दूसरे के मैं कैसे इसको देखो, तो मैं आप मैं देख रहा हूँ और दोनों कार्य हो रहे हैं। कितने सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, माँ पुत्र को क्या दिखा रही है, चंद्रमा को दिखा रही है, बेटा देखो चंद्रमा देखो, तो इसलिए माँ देख रही है और बच्चा को भी दो कार्य साथ में हो रहे हैं, और देख रहे हो केवल एक ही कार्य, मैं देख रहा हूँ, समझ में आया, अनुभव के जो करे जिसके अंतकरण है हृदय में जब वो भाव उत्पन्न हो जाता है, इसके बहिर्लक्षण आदि दिखाई पड़ रहे हैं, हृदय नचता है तब उसको पैर अपने आप उठता रहता है। हृदय यदि नित्य नहीं, हृदय यदि आनंदित नहीं है वो नित्य नहीं करेगा, बैठा रहेगा पेड़ के बाद ही बैठा है, क्योंकि हृदय नित्य नहीं कर रहे वो कहाँ से करे, एक व्यक्ति का जबरदस्ती उठा रहे उसके हृदय में नहीं आ गए हैं आज है? तो फिर चलो उसको उठा दिया, फिर उठा करके जब नृत्य करने, फिर वो साहबिक नृत्य करने लगे, ऐसी भी होती क्या है कि नहीं होते, वो कह रहे नहीं नहीं मैंने तरीके लज्जा आ रही है शर्म आ रही है, अच्छा ऐसे होता है कि नहीं होता है, है? ज्यादातर यही जी होता है, एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप में उठ करके नृत्य कर रहे और एक व्यक्ति के उठाना है। तो इसलिए कह रहे हैं हम ये उदाहरण दे रहे हैं, देखना और दिखाना, इंग्लिश में तो ही चुका थे हैं, सी एंड शो है, क्या बोलते हो आप जब सी हो रहे अपने देख रहे, और जब सो शब्द व्यवहार होता है तो स्वयं देख रहे और उसके भी दिखा रहे, जैसे माता बेटा को पुत्र को क्या दिखा रहे, चंद्रमा को दिखा रही है, तो माँ देख रही है और बच्चे को भी, तमिल आप नृत्य कर रही हो और दूसरे को भी नृत्य कर, वो जब बैठा होते उठो वो जोड़ के बाद ही बैठ पत्थर के बाद तात्पर्य क्या है, जब जिसके जब इस भाव के लक्षण होते हैं अंतर हृदय नच रहे और उसके साथ ही साथ पैर भी नाच रहे, दोनों के कनेक्शन हो जाते हैं, आज दोनों ही एक साथ में हो रहा है, स्वयं नाच रहे बुजुर्ग के नाच रहे, अब आदि सही है कि नहीं, तुम जबरदस्ती नचा रहे और क्या, उसको नचना नहीं चाहते है तुम, किंतु वो जब से नचते थे वो संग फिर नचना शुरू कर देते हैं, पहले वो नाचना नहीं चाहते हैं,
नहीं नहीं मैं नहीं सुने, लज्जा आता है, शर्म आता है, है? फिर जब उसको जब उठा के जबरदस्ती करे वो फिर वो वाला भी इसमें टच हो गया, छाया बात वाला नहीं, वो सब जो नित्य गीत आदि कर रहे हैं, देखो ये जो अनुभव के लिए बता रहे हैं, ये बहिर्विकार आदि जो है, हैं इसमें जो बहिर्विकार आदि कर रहे हैं, नित्य बिलुंठन, भूमि पर लौटना, गान जोर से चिल्लाना, हैं अंगों का मोड़न, हुंकार, जंभाई, दीर्घ सांस, लोगो अपेक्षा त्याग और लाड टपकना, जोर से हंसना, चक्कर आना, हिचकी, ये समस्त क्या अनुभव कहा जाता है। अच्छा, ये अनुभव आदि कब होता है? नहीं, हृदय में जब आता है तो बाहर वही लक्षण दिखाई पड़ता है, हृदय से नहीं आ रहे वही लक्षण नहीं दिखाई पड़ेगा। आप हंसते कब हंसते हो? हृदय उल्लास होता है तब तक आते, हृदय उल्लास हो है समझ में आते दिन तब वो हंसोगे। लोग हंसते कब है? एक दुखी है, किसी के माता पिता मर गए, वो हंसेगा? आप बताओ, अंत दुखी करण है, वो हंसेगा कैसे? हर्षण जी, किंतु अंतर यदि दुख में भरा हुआ हो वो हंसेगा नहीं। हंसना कब आता है? खुशी हो, चित्त प्रसन्न हो, जिसके चित्त प्रसन्नता नहीं है वो हंसेगा नहीं, सीधी बात है। तो उसी प्रकार से पहले होना कहाँ से, इनर कोट ऑफ हार्ट क्या है, अंतकरण क्या है, उसके इनर कोर और हार्ट क्या है उसको देखना पड़ता है। हृदय में जो दुख भरा हुआ है तो हंसी कहाँ से आ जाएगी? है हमारे बात समझ में आ रही कि नहीं है? ये सीधी बात है। कुछ होता है जो जैसे लाट टपकना, यानी जो है माने जम्भाई लेना, वो सब स्वाभाविक रूप में ध्यान से होता है। कुछ क्या बोले, अंतकरण में होता है, अंतकरण में आ जाता है वही दिखाई पड़ता रहता है, किंतु वो किसी के द्वारा करा नहीं जाता है। जैसे कोई रस कथा बोले, कोई हाथ पसते पड़े तो हंसना आ गया, कोई ऐसे कथा बोले आपके रोना आ गया, वो कथा सुन करे, किंतु जम्भाई लेना उसको नहीं होता है, वो एक दूसरे को वो साबित होता है। अरे भाई, उस लिखा तो सब है, समझना सब चाहिए ना। जम्भाई सब समय लेता है शरीर में, जम्भाई कब लेते हैं? आलस हो बा अथवा आनंद हो, कई कारण से होता है, है? ऐसे बाल गोपाल कृष्ण ने जम्भाई ले लिया, छोटा बच्चा को भी लेता है ना, नींद से उठा है, आलस्य त्याग दे रहे और आलस्य आ रहे हैं, दोनों में जम्भाई आता है, है? नींद आती है, ज्यादा नींद आने पर जम्भाई आता है, अथवा जो आप नींद से जब उठ रहे हैं है? तब यार दोनों कारण से आ, किस कारण से उसके गए है, इसलिए स्वाभाविक, इसलिए कुछ जो है क्रिया आदि अनुभव जो है शारीरिक स्वाभाविक रूप में होता है और किसी कारण से आ रहे हैं। जैसे मैंने वो कथा सुना दिया, एक क्या बोले, राजा गिर गए खीर खींच करके तालाब में, और मंत्री गिर गए पकड़ने के, किंतु कौन किसको चाट रहे हैं? अच्छा, इसमें उनके हंसी आ रहे हैं कि नहीं? ये कथा सुनकर के हंसी आ रहे, ये कथा सुनकर के हृदय में आया,
तब हंस रहे हैं। कथा सुन करके आंख से आंसू आए, कथा सुन आ जाए, बहुत कथा है। उद्धव जब आ गया है प्रातः काल में, उद्धव ब्रज में पहुंचे। उद्धव के पता नहीं था ये नंद महाराज जी गृह कहाँ पर है, है? किसी ब्रजवासी के पूछा है जी, नंद महाराज की गृह कहाँ है, नंद महाराज साथ मिलना है, है? तो उसमें एक ब्रजवासी करते हैं, लेकिन देखो ये जल की धार आ रही है ना, दिखाई पड़ रही है, इसकी जल के धार के किनारे किनारे में चले जाओ, जहाँ पर जल की धार समाप्त हो जाएगा वो नंद महाराज की घर है। अच्छा जल की धार कहाँ से आ रही, बोले उसमें से, बोले नंद महाराज माँ यशोदा है कृष्ण के विरह में इतने रो रहे हैं, है? और उनके आंखों की धारा जल की धारा आ रही, देखो कितना इस कथा के सुनकर तुम्हारे रोना आ जाए। कारण क्या है, एक व्यक्ति रोने के कारण हंसने के कारण क्या है, ये समझता समझ रहे आगे समझ रही। अंतकरण यदि द्रवीभूत हो तो इस क्रिया आदि दिखाई पड़ेगी। कोई पत्थर के मारे बैठे, ये लोग बैठा रहता है, देख देखते हैरान हो जाता, अरे नित्य करे कम से कम तो साइड हो गए बैठ जा, नित्य करना नहीं है कोई भी बात नहीं है, जो कर रहे उसके साथ साथ देखे जगह दे दो, बीच में बैठा रहता है पत्थर के। पढ़ा जाए तुम्हारे पैर लग जाए कुछ हो गया, इंडियन कल्चर हम होते हैं ना भाई, यहाँ पर लेकर हम चले जाते हैं, गिरता ही नहीं। बैठा ही जाता है, बिल्कुल समुद्र में जैसे पर्वत निकालता है ना, तरह इधर की पानी आगे से धक्का दे रहे, उधर के पानी आप समुद्र में देखा है ना, पत्थर समुद्र में देखा ना, समुद्र में तो क्या बोले हिल जो है पहाड़ पर्वत जो है उसे चारी तरफ आके क्या करते हैं, टकराते हैं, एक तरफ नहीं किनारे में तो एक तरफ आते हैं चले जाते हैं, है? और उसके सारी पर्वत को मैं ये देख रहा हंसता रहता, समुद्र के पहाड़ जाए पत्थर है जैसे जो बेटर वेस्टर्न इंडियन में नहीं कह रहा था, जो बेटर रहता है भाई, कोई यहाँ पर मेरा नित्य कर रहा है सच हट जा, वो हटेगा नहीं, वो भी आ नहीं कर आनंद आ गया, हर्ष आ गया, इसमें लिखा रहेगा अंतकरण को भाव को प्रकट करने वाले बाहर की विकारों को अनुभव कहते हैं, जैसे नृत्य विलुंठन, विलुंठन माने भूमि पर लौटना, गान जोर से
चिल्लाना, अंगों का मोड़न, अंग मोड़न है कभी कभी ऐसे करते हैं, अंग मोड़न, हुंकार, जंभाई, दीर्घ सांस लेना, लोग अपेक्षा त्याग, लार टपकना, जोर से हंसना, चक्कर आना और हिचके, इसमें अभी काल पड़ेंगे। गुड प्रमाणम अंतकरण के भाव होता है ना, दोनों चीजें एक साथ होना। कोई हंसता नहीं है, केवल हंसाता है, और एक हंसता है और वो हंसाते है। ऐसे ऐसे लोग को मैंने देखा। किंतु उसमें जो अभक्त के द्वारा लिखित जो है उसमें कोई पोटेंस है, उससे अब केवल लोगों को रंजन होता है। लेकिन अगर एक भक्त गा रहा है ठाकुर जी के सामने या वैसे अपने भावों को उसमें सम्मिलित करके, तो वो ठीक है या गलत है? नहीं, वो भक्त कौन सा भक्त है? जो उत्तम कड़ी के भक्त है तो ठीक माना जाएगा, जैसे जैसे भक्त उसमें नहीं होता, साधन भक्त की करते उसमें क्यों वो नहीं माना जाएगा? उत्तम भक्त हो, क्यों उत्तम भक्त? जो उत्तम भक्त के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जो कुछ भी देखता है उसके सहायक रूप में भगवत ये हो जाता है, क्या बोले, उद्दीपन हो जाता है। काबर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति जहा जहा नेत्र बड़े इष्ट देव, इष्ट देव स्फूर्ति हो जाता है। उत्तम भागवत में ये लक्षण दिखा गया, उसे स्फूर्ति होता है, स्टिमुलेशन होता है। वो भी आप जो भी कह रहे हो उसके देखना पड़ेगा कौन सा कैटेगरी के भक्त है। उत्तम भक्त हो वो जो भी देखे, जो भी वो तो रो पड़ेगा। जैसे श्रीवास ठाकुर, वो काल बताया ना, किसके नाम, इसके क्या बोले, देवानंद पंडित के हुए, देवानंद पंडित भक्त नहीं था वो, भागवत प्रवक्ता तो थे वो, बहुत सुंदर भक्त, किंतु शुद्ध भक्त नहीं थे वो। कौन? देवानंद पंडित। किंतु देखो श्रीवास ठाकुर जब जाते, श्रीवास ठाकुर कभी कभी उन पर चले जाते थे और उस कथा सुनकर श्रीवास ठाकुर रो पड़ता था, क्योंकि श्रीवास ठाकुर उत्तम भागवत है। आज उत्तम भागवत जो उसको देख रहे, वो तो उसे मूल के लेकर के वो रोना शुरू कर देते, श्लोक उच्चारण होने के साथ ही उनके हृदय में थोड़ी वो हो जाए, केवल स्टिमुलेट हो जाता है। उत्तम भागवत जो है उसे स्टिमुलेट हृदय में अपने आप स्टिमुलेट करते रहते हैं, उद्दीपन करा देते हैं, चित्त हृदय के जो अपने नाचता रहते हैं, और साधारण जो उसको नहीं होता है, वो तो भाई क्रिया आदि करते रहते हैं, एक्सटर्नल करते रहते। हृदय अंतकरण यदि नित्य करे तब वो पैर नित्य करेगा, अंतकरण नित्य नहीं करे, बाहर से कर रहे हैं, वो केवल बाहर ही हो रहे हैं, उसकी शुद्धता नहीं आ रहा है। इसलिए हरिदास ठाकुर नित्य करना शुरू कर, जब काली वो क्या बोले सांप को ही करे, और वो एक ब्राह्मण वो भी नित्य करना शुरू कर, जो पिटाई करो भग्गे पुगे, हाँ समझ, वही तो कर रहे हैं, दोनों नित्य कर रहे, वो ब्राह्मण भी नित्य किया और हरिदास ठाकुर नित्य किया, हरिदास ठाकुर नित्य किया अंतकरण से, अंतकरण से संधि से उसके पैर भी नित्य कर रहे, हाँ समझ।
ये समझना है कि किस कारण से हो रहे उसको ढूंढना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड समथिंग, व्हाट इज द रीजन, व्हाट द मेन रीजन, कारण क्या है, ये कारण ढूंढना पड़ेगा. कार्य और कारण एंड कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण और क्या है. Yearning, yearning coming. This is the different wind. Tomorrow we'll discuss. So. I did once. Yes. No, I do there early morning and I did once in the morning. It happens mostly to the seat like in the front. And the right और भी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कौन आधा घंटा दूर है Yeah.